स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। तो वार्निंग, ये एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और देखने के बाद प्लीज उल्टे सीधे कमेंट मत करना, धन्यवाद। ये रीटा होता है, जापान में रहता है, तो इसका इंट्रो मैं दूंगा तो आपको पता ही कि कैसे दूंगा। भाई बहुत हैंडसम है ये, बहुत ज्यादा, पूरे स्कूल की लड़कियां इसकी दीवानी होती है, पर ना किसी में इंटरेस्ट नहीं होता इसका, कहीं ये वो तो नहीं, आगे जानेंगे हम। इसे ना बस अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड निंजा हथौड़ी से ही बात करना अच्छा लगता है और निंजा हथौड़ी भी इसे काफी पसंद करती है। बात ऐसी है कि जापानी मूवी में जो मेन कैरेक्टर रीटा होता है ना अपना, इसकी मोम इसको छोटेपन में जब भी बच्चा था तो इसको छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, जो कि काफ़ी कॉमन थिंग है जापान के लिए। उसके बाद भाई रीटा को रोज बुली होना पड़ता था, यही तो है जापान की खूबसूरती। इतना बुली हुआ कि वायलेंस 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 करने लग गया दिन रात। और एक दिन इसको मिली निंजा हथौड़ी, और जब से वो इसको मिली उसने संभाला इसको, माँ का प्यार दिया इसको, फीड उसे खाना वाना खिलाती थी, सब कुछ करती थी भाई। और इसी टाइम से दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन गए थे। यहाँ स्कूल में निंजा हथौड़ी की बेस्ट फ्रेंड क्योटो से मिलते हैं हम, जो कि भाई कहती है कि अरे बहना कर दो ना जीजू को प्रपोज। हथौड़ी इस उम्मीद में बैठी हुई है कि रीटा मुझे कभी ना कभी प्रपोज तो करेगा ही। और कुछ ही देर में डोरा द एक्सप्लोरर जैसी दिखने वाली एक लड़की को कुछ लड़के आकर बुली करते, इनके बाल ही अजीब होते भाई, बहुत अजीब। इन्होंने नाई को आधे पैसे दिए थे तो आधे बाल काटे होते इनके, बेचारी की ना कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। इतने में एंट्री होती है हमारे प्यारे रीटा की, जो कहता है ना अबे केंचुओ भाग जा मैं मारूंगा बहुत। अब ये देखकर लड़की जिसका नाम मीहो होता है, यही जो कि डोरा द एक्सप्लोरर जैसी दिखती है, ये रीटा के पैर में गिर जाती है। और ये देखकर हथौड़ी की डिंग 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 हो जाती है भाई, जलन में कोयला बन जाती है जल के। पर बात यही नहीं रुकती है, रीटा अगले दिन अब मीहो के साथ डेट पर जा रहा होता है। इनको लॉकर में पुलिस भी मिलते हैं, जिन्होंने ना कूड़ा उड़ा भर दिया होता है रीटा के लॉकर के अंदर। और आखिरकार बुली इनके सामने आते हैं और इनको करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा बुली। और मीहो आकर ना कहती है अबे मेरे मर्द को बुली करेगा तो जींगे, और बहुत मारती, फेंक फेंक के मारती है। फिर फूल से भी नाजुक रीटा को घर लेकर जाती है, और हथौड़ी बेचारी क्या ही बोलू मैं। और अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं। अब निंजा हथौड़ी जलन में जमीन के नीचे घुस जाती है, और रीटा और मीहो का रिलेशन मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट होने लग गया होता है। एक दिन हथौड़ी को एक ना न्यू स्टूडेंट के सुके मिलता है, जो टकराती है ना इससे, तो इसकी खूबसूरती को देखकर, इसकी इतना भाई ब्यूटीफुल होता है ना ये लौंडा, इसके प्यार में गिर जाती है। लड़कियां भाई साहब लड़कियां क्या ही बोले, पर इसे याद आता है ओ हो मैं तो रीटा से प्यार करती हूँ, यहाँ कैसे पिघल सकती हूँ। तो मीहो को अपनी और रीटा की फोटोज दिखाती है जलाने के लिए, और कहती है तेरा मर्द होगा बाद में, पहले मेरा दोस्त है। और इसको मियो को खाक फर्क नहीं पड़ रहा होता भाई, कहती है भाग यहाँ से। अगले दिन हथौड़ी की क्लासमेट इससे कहती है देखो रीटा और मियो ना साथ में अच्छे नहीं दिखते, गंदे लगते हैं बड़ी। हथौड़ी कहती है ना कि हाँ ये दोनों लड़कियां, फिर कहती है कि तुम्हें होना चाहिए था उसके साथ। तो उनको जाते ही अंदर से मियो बाहर निकल कर आती है और कहती है कि मेरा है रीटू, मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड, और तुम उसकी फ्रेंड बन के रह सकती हो जब तक चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हथौड़ी के तो भाई तोते उड़ गए होते हैं भाई। और तभी वो खूबसूरत लड़का जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, केसुके आता है और कहता है हे सुंदरी मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिंग 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 करोगी। ये भाई बिना कुछ कहे जाने लगती है, तो केसुके इसको पकड़ कर किस करने लग जाता है। अब जिसे नहीं पता मैं बता दूं, जापान में लिप पे किस करके हेलो बोला जाता है, अगर तुम कभी फ्यूचर में जापान जाते हो तो ये चीज जरूर करना। खैर भाई सच में मत कर देना, मार पड़ेगी बहुत। हथौड़ी आती है घर पे ब्रश करने लग जाती, इसने सोचा था ना मेरी पहली जो चुम्बन क्रिया होगी ना वो होगी मेरे प्यारे रीटू के साथ, बट ये केसुके करके भग्यार क्या ही कर सकते, बेचारी ना घर में पड़ी ही रहती है। अगले दिन स्कूल में केसुके इसे पकड़ लेता है, डराता है धमकाता है, कहता कल जो कुछ हुआ अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। ये कहती है ओके, अब भाई बहन देख यार तेरे को हैरेस कर रहा है, वो क्रिमिनल है, वो केस कर उस पे जाके, ओके क्या बोल रही है। और ये सब रीटा ना देख रहा होता है, कुछ कहता नहीं। और अगले दिन चारों डबल डेट पर चले जाते हैं। एक मिनट, अबे कैसी डेट भाई, तूने उससे कुछ बोला तक नहीं है, डेट पर कैसे आ गई तो उसके साथ। यहाँ हथौड़ी भाई रीटा को खूब जलाती, और यहाँ से घर जाती हुई हथौड़ी को रीटा मिलता है, और दोनों बातें करने लग जाती। ये कहती है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद है, ये कहता है कि तुम्हारी जिद, किसी भी चीज को तुम पूरा करने का ठान लेती हो तो उसको करके ही रहती हो। हथौड़ी को याद आता है यार पर मैंने तो मेरा फ्यूचर सोचा ही नहीं, मैं तो पूरे दिन बस तुम्हारे साथ अलग अलग पोजीशन सोच के टाइम निकल। और भाई जल्दी ही ना समर वेकेशन भी आ गया होता है, कितने लोग वेट कर रहे थे समर वेकेशन का, जापानीज मूवी है ना तो आना ही था, वो तो पता ही अपने को। अब हथौड़ी और रीटा से बात नहीं कर रही होती, इग्नोर करती है इसको कि उसे फील तो हो कि जब मैं उसे इग्नोर करूंगी तो मेरे बिना उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन है, उसको तब फील होगा कि हाँ। अब जितने भी लोग देख रहे हो ना, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, उससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, देखती हूँ मेरे बिना कैसे रहता है।
सामने वाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है काम करो अपना तुम जाके। इसका भी ऐसा ही होता है कुछ, ये जाती है डांस क्लासेस ज्वाइन करती है, पढ़ाई करती है, खुद पे ध्यान देती है, सारी चीजें अच्छी अच्छी कर रही होती है। एक दिन केसु को इसे डेट पर बुलाता है, दोनों जाते भी है और भाई दोनों को बस प्यार होने ही वाला होता है कि इतने में एक नशे में भंड लड़की आकर केसु को पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ थे मेरे प्यारे केसु, मैंने तुम्हारी याद में कई रातें बिता दी और दिन में तो किसी और के साथ रहती थी मैं। अब केसु को इसे घर छोड़ने जाता भाई। एक्चुअल में लड़की जो होती है ना, उसकी एक्स होती है बड़ी पुरानी, हथौड़ी का मूड खराब हो गया था। बाहर आती है और रीटा को कॉल करके कहती है कि कल मिलने आ जाना मेरे से फायरवर्क्स में, बताऊंगी वरना। और भाई दोनों शाम को मिलते हैं फायरवर्क्स में, गिफ्ट विफ्ट एक्सचेंज हो ही रहे होते कि इतने में केसुके भी आ ही जाता है यहाँ पर, और इसे भी चैन नहीं है एक मिनट भी। हथौड़ी यहाँ से भाग जाती क्योंकि तीनों ऑकवर्ड थे भाई, बैठे हुए हैं भाई। तीनों को पता है कि तीनों एक तीनों से प्यार करते, इससे करता है, ये भी इससे करता है, ये इससे भी करती है, ये इससे भी करती है, ये जो है ये मियो से भी करता है। बहुत कंफ्यूजन है, रुको रुको। ये भग जाती है भाई, मेरे से भी नहीं सहा जा रहा इनका क्रिंज। तो रीटा कहता है कि सुन बे मेंढक, अगर तूने मेरी हथौड़ी के साथ कुछ भी किया तो तू गया। केसु को कहता है क्या बोला बे झींगे, तुझे पता है वो तुझसे बचपन से प्यार करती है और वो तेरे साथ प्यार मोहब्बत करने के सपने देखती है, कब समझेगा तू। और रीटा भाई ये सब जानता है। हथौड़ी आती है और आज इसे पहली बार अपने दिल की बात कह देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो केसु के, बस मेरा फ्रेंड है। नहीं नहीं मैंने वैसा वैसा कुछ नहीं किया उसके साथ, किस, अरे किस तो हमारी हुई ही नहीं है। डेट? अरे नहीं हम कभी डेट पर भी नहीं गए भाई, झूठ बोल रही है वो साफ। फिर भाई शुरू होता है फायरवर्क्स, दोनों देखते किस्सी विस्सी करते हैं यहाँ पर और डिनर पर जाते हैं। इतने में कमबख्त डोरा द एक्सप्लोरर आ जाती है, यार इसको भी चैन नहीं एक मिनट भी। अब भाई साहब सुनना इसके बाद क्या होता है मूवी में, ठीक है। ये कहता है ना कि सुनो मेरी जान निंजा हथौड़ी, तुम फिक्र मत करो, मुझे जैसे पहला मौका मिलेगा ना मैं मियो से ब्रेकअप कर लूंगा, मुझे बस एक रीजन चाहिए लड़ने का, मैं ब्रेकअप करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब ये सुन के क्या है, ये सुन के हथौड़ी तो बहुत ही खुश होती है और जो इन दोनों ने रात को चुम्बिया की थी ना, उड़ते उड़ते स्कूल तक पहुंच जाती है कि रीटा ने हथौड़ी का अंधेरे में फायदा उठाया और उसे दबोच कर उसकी चुम्बन क्रिया कर ली। उड़ती उड़ती खबर आई गई होती है मियो के पास भी, तो हथौड़ी को डराती धमकाती है कि मेरे मरज से दूर रहे तो छोड़ूंगी नहीं वरना तेरे को। हे बेचारी, इसे क्या पता इसका बॉयफ्रेंड इसका काट रहा है। अब ये सब ने केसु के सुन रहा होता है, कहता है ना कि बहन कोई फायदा नहीं है, हम भी ठुकराए गए थे, तुम भी ठुकरा जाओगी। और अब मौका अच्छा होता है तो रीटा आकर मियो से कहता है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मियो भाई बेहोश हो जाती है, नाटक कर रही है फिलहाल ये, और कहती है ना कि सुनो मुझे ना एक अजीब बीमारी है जिसमें मैं धीरे धीरे मर रही हूँ, जब तुम मेरे साथ रहते हो ना तो मेरी बीमारी ठीक होने लगती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी नहीं मरूंगी। कोई सेंस है इस बात में? सर मैं बता दूंगी झूठ बोल रही होती है ताकि ना रीटा को अपने पास ये रख सके, समझ गए। अब रीटा भी भाई शाम को अगर हथौड़ी से कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरी जाने मन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं मियो के साथ ही रहूंगा। मैं भाई तेरा ईमान धर्म कुछ है कि नहीं है, जहाँ की सुनता उधर ही हो लेता है तू है। बेचारी भाई हथौड़ी बारिश में बैठकर खूब रोती है, खूब रोती है। हथौड़ी भी डिसाइड कर लेती है कि हाँ चलो रीटा नहीं मिला तो क्या हुआ, केसु के तो है ही, उसको तो आधा फंसा के रखा ही है, एक आंख मारूंगी भगता हुआ आएगा। और करता भी लूंडा, भगता हुआ जाता अगली सुबह उसके पास भाई, कुत्ते की तरह साला। दोनों डेट पर जाते हैं, फुल अय्याशी करते हैं, मजे मारते हैं। ये देखो ये जो हो रहा है ना भाई, मुझे हजम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हथौड़ी को ना अपने बचपन के प्यार को भूलने में पता कितने साल लगे, हथौड़ी को रीटा को भूलने में बहुत टाइम लगा, पूरे 4 दिन लगे उसको भूलने में, बचपन का प्यार था उसके वो। दोनों भाई काफी मस्ती वस्ती करते, विंटर ब्रेक भी आएगा होता है, दोनों साथ में रहते घूमते और रीटा इनको देख के जलता फुकता रहता है और केसु के हमेशा हथौड़ी को रीटा से दूर रखने की कोशिश करता है। अचरज निंजा हथौड़ी रेडी हो रही होती क्योंकि इसको केसु के साथ डेट पर जाना होता। ये रोज डेट पर जाते हैं क्या, कुछ काम नहीं इन दोनों को। अब भाई ना जाते हुए एलिवेटर में इसको रीटा मिल जाता है, दोनों देख रहे होते एक दूसरे को, बातें बंद है। जैसे ही डोर खुलता है सामने सनसेट हो रहा होता है, जिसको देख करीना अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि हम कैसे बचपन से साथ थे और एक दूसरे के हर बात जानते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से, दोनों के मन में बहुत प्यार होता है। पर अचानक हथौड़ी को याद आता है, अरे यार कहाँ, मैं तो अभी किए सुखे के साथ जा रही हूँ ना डेट पे, तो ये भाग जाती है वहां से। रीटा मियो से मिलने आता है, अबे एक मिनट ही, सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ऊपर नीचे। खैर मियो ना यहाँ पर हथौड़ी को ना खूब उल्टा सीधा बोल रही होती है, तो ये कहता मत बोलो, तो ये फाइनली इसको बता देती है कि देखो मेरे को कोई बीमारी बीमारी नहीं है भाई, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं तुम्हारा काट रही थी, मैं पागल बना रही थी तुमको, साफ बता रही हूं मैं। इसका मन भर गया होता है
यहाँ केसु के हथौड़ी को ना झूले में किस्सी विस्सी करने जा रहा होते है, कहते रुक जाओ मैं नहीं करूंगी किस्सी तुमसे, मैं रीटा से प्यार करती हूँ, उसी को करूंगी जो करूंगी। और यहाँ पर रीटा भी भाई मियो से कहता मुझे माफ कर दो डोरा द एक्सप्लोरर, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास से। और इस तरह दोनों अपना मतलब साथ इन दोनों का छोड़ के ना मतलब भाई अपने साथ साथ दो और लोगों की जिंदगी खराब करने के बाद लाइफ लेसन देने के बाद मिल जाते हैं। यही रीटा की भगोड़ी मदर भी आ गई होती है इसे लेने के लिए कि भाई देखो इस एज में कोई कमा के खिलाने वाला तो होना चाहिए ना। पर रीटा कहता है मेरी मम्मी तो निंजा हथौड़ी है, तुम निकलो यहाँ से। और एंड में हम देखते हैं मियो ने अब न्यू क्रश बना लिया होता है क्योंकि उनमें से है जिसके हर दूसरे तीसरे महीने बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। और केसू के भी स्कूल में हैंडसम लड़का बन गया होता है, इसको हैंडसम की उपाधि दे दी गई होती है और लड़की अब इसकी दीवानी होती है, इसके पीछे पागल होती है। और इस तरह से व्हील चलता रहेगा, साइकिल घूमता रहेगा कि स्कूल में हैंडसम सा लौंडा जिसके पीछे लड़कियाँ दीवानी है। इस पे हो सके फ्यूचर में दूसरी मूवी बना दी ये लोग और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। भाई देखो स्कूल में सबके साथ होता है, पर ये क्या था, क्या था ये? कुछ लोग कहेंगे ना बहुत अच्छी फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, बहुत ऐसी है वैसी है वैसी है ऐसी है, ठीक है भाई कहीं से इमोशनल नहीं है, पागल से चारों के चारों एक नंबर के। जिसे अपने इमोशन अपने मन पर कंट्रोल नहीं होना, जो इसकी बात सुन के उसका हो जाए, इसकी सुन के वहां भाग जाए, अपने साथ साथ ना दूसरों की भी लाइफ खराब करते हैं ऐसे लोग। ठीक है रियल लाइफ में भी मिलेंगे तुम्हें बहुत ऐसे लोगों से, दूर रहना, लाइफ लेसन देके चले जाएंगे, वरना रहते तुम्हारे साथ है, बातें किसी और की करते हैं, बातें किसी और की सोचते हैं। ओके तो फिर अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय।